फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे एवं खुश होंगे। आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा ठंडा है कल की अपेक्षा। कल तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी थी, धूप भी थी, लेकिन आज ना तो धूप है और ना ही गर्मी है। आज हम लोगों को कहीं जाना है, शाम को हम लोग निकलेंगे। तब तक हम अपने दिन का स्टार्ट कर दिया है हमने। हम बना रहे हैं मैगी और हम खाएँगे अभी गर्मा गर्म मैगी। तो ये फ्रेंड्स हमारी मैगी तैयार हो गई है, सब्जी वाली मैगी आज हमने बनाई है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है तो इसको हम पानी को ख़त्म करते हैं। फिर तो है फ्रेंड्स हमारी बन चुकी है गर्मा गर्म मैगी। अभी हम इसका टेस्ट लेते हैं, बाइट लेते हैं और फिर बताते हैं कि इतनी अच्छी बनी है। महक से तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी हम एक बाइक लेते हैं इसका। हमने बनाई सब्जी वाली मैगी। वाह, बहुत ही सुंदर मैगी बनी है फ्रेंड। तो है फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं अपने खेतों में। आज मौसम बहुत ही ठंडा है, धूप भी नहीं निकली है। अभी हल्की सी धूप निकली थी वो भी चली गई। ये हमारी गेहूं की फसल। फिर फैमिली आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितना सुंदर नज़ारा है। हमारे पीछे पाइप फैली हुई है, हमारे मोटर लगा हुआ है जो पानी चल रहा था, और हमारे गेहूं में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। पीछे का मौसम नज़ारा आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है काफ़ी ज़्यादा। अभी मैं आया था यहाँ पर घूमने के लिए। और यहाँ अभी हम थोड़ी देर लेटेंगे, यहाँ पर पड़ी है चारपाई और हम थोड़ी देर करेंगे आराम फिर चलेंगे घर। फ्रेंड्स अभी बारिश शुरू हो चुकी है तो हम जा रहे हैं घर, वहाँ पे करेंगे अपनी पैकिंग और हम लोग चलेंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, अभी हमको बस भी पकड़नी है शाम के 5 बजे, 5-6 बजे जो बस मिल जाएगी वही पकड़ लिया जाएगा। फ्रेंड्स मौसम तो बहुत ही अच्छा है चाय पकौड़े का, लेकिन हमको कहीं जाना है तो हम ना चाय पियेंगे ना पकौड़े। चाय तो पी सकते हैं लेकिन पकौड़े नहीं खाएंगे पियेंगे। हमारी बाइक पूरी तरह भीग चुकी है, हमें भीगी हुई बाइक को लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ पे कोई कपड़ा भी नहीं है कि इसको साफ़ कर लिया जाए, तो जल्दी से निकलते हैं। बच्चे आ गए वॉलीबॉल खेलने के लिए और हम आ गए अपने घर। फ्रेंड्स ये हो रही है हमारी पैकिंग। हमने रख लिए एक अंडर बियर, एक अंगोछा, और मुझे तो कोई खास कपड़े की जरूरत है नहीं क्योंकि एक ही दिन स्टे करना है। हाय, कहाँ जा रही हो? जा अच्छा ये लेके जाएंगे, पंडित पुजारी को देंगे।
तो ये फ्रेंड्स अभी हम तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए। शाम के बज चुके हैं 5 और हम लोग अभी निकलेंगे चीकू का मुंडन कराने के लिए प्रयागराज। हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज, चीकू का वहां पे कराएंगे मुंडन। चीकू हो जाएगा टकला। क्या हो जाएगा चीकू? टकला। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए चीकू हो जाएगा टकला। क्या हो जाएगा चीकू? लो पकड़ो, तुम पकड़ लो। अभी हम सड़क पे चल रहे हैं, वहां रोकेंगे एक ई रिक्शा और ये रिक्शा रोक के उस पर बैठ के हम लोग विशेश्वरगंज जाएंगे, वहां से पकड़ेंगे बस। बारिश थोड़ी तेज हो गई, फिर भी जाना तो है ही। फ्रेंड्स हम खड़े हैं ई रिक्शा के इंतजार में, अभी तक कोई ई रिक्शा नहीं आया है। कोई ई रिक्शा आ जाए तो हम उसी में बैठ के चलते हैं। बारिश हो रही है, बाइक से कौन जाए? बाइक को बाद में लाने जाने पड़ेगा, और ई रिक्शा रहेगा तो सुरक्षित पहुँच भी आएंगे और लाना भी नहीं पड़ेगा किसी को बाइक। वैसे तो जब कहीं नहीं जाना होता तो तमाम ई रिक्शा निकलते रहते, लेकिन जब कहीं जाना होता है तो कोई ई रिक्शा नहीं निकल रहा होता है। हम लोग तैयार हो चुके हैं, अब चलते हैं। रिक्शा मिला नहीं तो अभी हम लोग चलेंगे बाइक से यहाँ से विशेश्वरगंज तक। अभी हम चलेंगे यहाँ से विशेश्वरगंज तक बाइक से राजन के पास, और हमने इनको दे दी है अपनी बाइक की चाबी। अभी विवेक आके लेकर जाएगा बाइक यहाँ से। कुछ कहो। क्या कहें भाई, सब बढ़िया ही है। सब्सक्राइब करने के लिए कहो, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ हाँ, सपोर्ट करें, प्यार करें हमारे भाई को। अभी हम पहुँच चुके हैं विशेश्वरगंज, यहाँ कर रहे हैं बस का इंतजार। किसका इंतजार कर रहे हैं? बस का। किसका? बस का। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ? इलाहाबाद जा रहे हो? क्या करने? टकला होने? मुंडन करवाने? फ्रेंड्स हो चुकी है रात, लेकिन अभी तक बस नहीं आई है। बस आने का टाइम ही है, जैसे आएगी 2 या 3 बस साथ में आएगी। कहो बस मिल गई, कहो हो बस मिल गई गोंडा के लिए। इधर देखो, इधर इधर इसमें इसमें कहो गोंडा के लिए। कहो मिल गई। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं गोंडा। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि क्या बताएं। किसी तरह एक बस में ड्राइवर साहब से कहकर 2 सीटें मिली हैं और उसमें हम बैठ चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं पानी लाने के लिए। आरुष और उनकी मम्मी को वहाँ बिठा के हम आ चुके हैं, जा रहे हैं पानी लाने के लिए अभी, और पानी लेकर फिर आते हैं। फ्रेंड्स अभी हम बैठ चुके हैं बस में, लेकिन हमें बैठेंगे नहीं। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं मेला में, और अभी यहाँ पर हो रही है बारिश, तो हम थोड़ी देर रुके हुए थे, और बारिश निकलने के बाद अब हम चल रहे हैं संगम की तरफ। कहाँ आ गया अपन? फ्रेंड्स हो रही है बारिश और हम लोग भीगते हुए जा रहे हैं। अभी वहाँ पे हमारे मामा हैं, वो हमको मिलेंगे आगे। अभी यहाँ से करीब 1/2 किलोमीटर जाना है। बारिश तो घर से ही हो रही थी, लेकिन इतनी ज़ोरदार नहीं हो रही थी। रास्ते में तो बस में ही तो भीगे नहीं, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद कभी बारिश निकल जाती है, कभी बारिश आ जाती है। चीकू भी काफ़ी परेशान हो गया बारिश की वजह से। हे फ्रेंड्स हमने खरीद ली है 20 रुपए की पन्नी, जिससे हम थोड़ा सा बच रहे हैं, नहीं भीगे रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। फ्रेंड्स आ चुके हैं हम मेले में, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। सुबह के 4 बजे हम लोग भीगते हुए किसी तरह पहुँच चुके हैं यहाँ तक। बहुत ही सुंदर नज़ारा। हमको जाना है 5 नंबर पीपे वाले पुल के पास। है फ्रेंड सुबह के बज रहे हैं 4, और अभी हम पहुंच चुके हैं प्रयाग मेला में।
पुल नंबर 3 से होते हुए अभी हम जाएंगे पुल नंबर के 5 के पास, वहाँ पर हमारे मामा खड़े हुए हैं, उनसे मिलके फिर आगे का काम करेंगे और उसका मुंडन करवाएंगे और फिर स्नान करेंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा अभी दिख रहा है हम लोगों को, मैं तो अगल बगल नहीं देख रहा हूँ, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मैं पुल के सीधे रास्ते में जा रहा हूँ, ना इधर देख रहा हूँ ना उधर देख रहा हूँ। आरुष बहुत परेशान हो चुका है बारिश ही बारिश से, जब से बस से उतरे हैं तब से बारिश ही बारिश हो रही है, अभी जाके बारिश कुछ रुकी हुई है। चीकू, ए चीकू, चीकुआ इधर देखो मेरी तरफ, अरे कैमरे में देखो, ए चीकू देख लो जरा, अरे देख लो, अरे देख लो, हंसो, हेलो कहो, हेलो हाय। सबकी हमको मामा जी मिल चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर चीकू रोने लगा था तो उसको लेने के लिए आ गए अंदर, अभी हम से बाहर, अभी हम आ चुके हैं तंबू में अपने और हमने नाई को फोन कर दिया है कि जल्दी से आ जाओ भाई, हमारे चीकू का मुंडन कर दो। वीडियो डालो, एक वीडियो डाल देना पर देखो। भैया पैसा लिया रहे तो चॉकलेट लीजिए, नहीं बराबर लेग है। फ्रेंड्स अभी हम निकल चुके हैं अपने टेंट से नहाने के लिए, अभी हम जा रहे हैं गंगा घाट पर नहाने के लिए। चीकू, चीकू बाल तुम्हारे कहाँ गए? हे चीकू कहाँ गए बाल? गायब हो गए। किधर ना आ जाए। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं गंगा के किनारे, अभी स्नान होगा हमारा। चीकू इधर देखो कैमरे में, हाय करो, हाय कर दो, हाय कर दो, हाई कर दो, हाई कर दो। तो ये फ्रेंड्स हमने खाना वगैरह खा लिया है, यहीं पे चल रहा था महाराज जी के तंबू में भंडारा चल रहा था, वहीं पे हमने भोजन पा लिया, पेट भर गया। अभी हम घूमने जा रहे हैं मेला फिर से, फिर उसके कुछ देर बाद जहाँ से यात्रा प्रस्थान होगी घर की तरफ। बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा, चारों तरफ एक से एक बढ़िया आदमी दिखते हुए, सभी लोग कई प्रकार के। रात को काफ़ी लेट में आए थे, लगभग 12-1 बजे के बीच में आए थे, तो इतना ज़्यादा थके हुए थे कि हम उनकी वीडियो भी नहीं ले पाए। जब से हम प्रयागराज से चले हैं तब से एक भी वीडियो हमने नहीं ली, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। इधर से तो 8-9 घंटे का सफ़र करके बस में गए, उसके बाद वहाँ काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ा और उसके बाद कुछ देर रुक के फिर से 8-9 घंटे का वही सफ़र चलना पड़ा। गोंडा से हम लोगों को कटरा होके घूम के आना पड़ता है, क्योंकि अभी ब्रिज बनना है तो वहाँ पे बड़ी गाड़ियों को जाना अलाउड नहीं है, बस ट्रक अन्य गाड़ियों को, तो इसीलिए हम लोग काफ़ी हमको देर हो गया, तो हम रात को कोई वीडियो नहीं शूट कर पाए।
फ्रेंड्स, हम रात में काफ़ी लेट हो गई थी, इसीलिए हम अपने ब्लॉग को ख़त्म नहीं कर पाए थे। हमारा ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग हमारे इस ब्लॉग को ढेर सारा सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए बाय।